में एक ऑयली होता है, एक ड्राई होता है, जो मुझे भी पहले पता था। और किसी को पता है स्किन कितने प्रकार के होते हैं? कितने? कब बताइए? अभी? मतलब आप ध्यान से सुन रहे हो, क्या बात है। स्किन जो है ना हमारी, जैसे जनरली सर ने जैसे कहा, ड्राई होता है, ऑयली होता है, ये ही सबको जानकारी रहती है। बट हमारी जो स्किन रहती है ना, वो चार प्रकार की होती है। हमारी स्किन जो है चार टाइप्स की होती है। कौन कौन सी टाइप होती है? एक तो होती है ऑयली, एक तो होती है ड्राई, जो सबको पता है। फिर उसके बाद आता है नॉर्मल, फिर आता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, चार प्रकार। अब इस नॉर्मल और कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन लिखो इसको भी। अंदर से पूरा ऐसे से करते हैं तो पूरा गीला मटेरियल निकलता है, डस्ट है ना। ये ग्लैंड जो है ऑलरेडी आपके शरीर में तेल प्रोड्यूस करता है, उस ग्लैंड को हम बोलते हैं सेबेशियस ग्लैंड। साइंटिफिक टर्म। ये ग्लैंड जो है आपके शरीर में ऑटोमेटिक तेल प्रोड्यूस करता है, और वो तेल अगर ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस कर रहा है, दैट मींस आपकी स्किन जो है वो है ऑयली स्किन। ठीक है, ऑयली स्किन में देखना ऑयल जो है ना ऑटोमेटिक पोर्स में सबसे ज्यादा दिखने लगते हैं, ऊपर ही ऊपर रहते हैं ना। हाथ में भी पूरा ऑयल हो जाता है, यहाँ पे पूरा ऑयल हो जाता है, होता है ना, ऐसा होता है ना। दैट मींस वो स्किन है ऑयली स्किन। और ऑयली स्किन क्या करती है, जब आपके पोर्स में आ जाती है ना, तो वो थोड़ा सा अटक जाती है पोर्स में आपकी, तो उसके कारण क्या है, आपकी जो गंदगी रहती है ना, वो भी वहीं पे सेट हो जाता है। वो गंदगी और ऑयल दोनों जब मिक्स हो जाते हैं, तो फिर वो पिंपल का फॉर्म ले लेती है, पिंपल का फॉर्म ले लेती है। बैक्टीरिया जो है वो पिंपल का फॉर्म ले लेता है। आप समझ आया पिंपल क्या होता है? हाँ, देखिए बाहर से जो हो रहा है बैक्टीरिया, वो तो आपका पिंपल हो जा रहा है। आप अंदर से क्या इनटेक कर रहे हो, जो भी खा रहे हो, तो अंदर जो बैक्टीरिया चला गया है, वो भी तो निकलने के लिए उसको कहीं ना कहीं से जगह चाहिए, तो वो अंदर से निकलता है, अंदर से भी निकलता है पोर्स के थ्रू, जहां से उसको मिलेगा निकलने के लिए। हमारी जो पोर्स रहते हैं ना, ये एक्चुअली सांस लेती है, ब्रीथ करता है। ठीक है, आपके अंदर जो ऑक्सीजन, ये पोर्स के थ्रू जाती है, पता है ना। ये चीज तो पता होगी, कॉमन है, पता है ना। आपकी स्किन जो है, आपकी बॉडी जो है, सांस कैसे लेती है, ये पोर्स के थ्रू, नाक से तो लेती है, इसके अपार्ट
और नाक आपको लगता है सफिशियंट है हमारी बॉडी के लिए सांस लेने के लिए? नहीं नहीं ना, तो हम स्किन के थ्रू भी सांस लेते हैं, ठीक है। आप कभी मतलब उसमें पैक वैक लगा लेना पूरे बॉडी में और एक घंटे के लिए नॉर्मल हो जाना, देखना सफोकेशन लगने लगेगा, जैसे बरसाती पहनने के बाद महसूस होता होता है ना ऐसा, सफोकेशन लगने लगता है क्योंकि हमको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमारी बॉडी यहाँ से भी सांस लेती है पोर से, रोम छिद्रों से, ठीक है। तो ऑयली स्किन ये होता है जिसमें सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है अंदर से, वो होता है ऑयली स्किन। और एक्ने, पिंपल, पिंपल का जो सबसे ज्यादा शिकायत होता है वो होता है आपके ऑयली स्किन में, ठीक है। ऑयली स्किन में कैसे होता है, जो मैंने बताया बैक्टीरिया रहता है और वो ऑयल उसमें मिक्स हो जाता है, तो वो बैक्टीरिया का फॉर्म ले लेता है, बड़े बैक्टीरिया का फॉर्म ले लेता है, तो वो पिंपल में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी होती है ड्राई स्किन, ड्राई स्किन मतलब सूखी, जो हमारी जनरली ठंड में एकदम फटफट जाती है ना, क्रैक 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 दिखने लगती है ना, वो कब होती है, जब आपके बॉडी को प्रॉपर नमी नहीं मिलती है, प्रॉपर मॉइस्चराइजर नहीं मिलता है, तब वो स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। बट ये ठंड में होता है, ठंड को छोड़ के अगर तब भी आपकी बॉडी ड्राई हो रही है, फट रही है, आप लोशन वगैरह लगा रहे हो उसके बाद भी बहुत जल्दी जल्दी वो फट रही है, दैट मीन्स आपकी स्किन जो है वो ड्राई है, एकदम सूख जाती है, फेस में देखना रब हो जाता है, लाल 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 हो जाता है, स्किन ऐसी डेड 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 सी निकलने लगती होता है ना, होता है ना ऐसा, तो वो होता है ड्राई स्किन। ड्राई स्किन मतलब सूखा पड़ना, ड्राई मतलब सूखा, ड्राई को हम इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं सूखा, ठीक है, ड्राई मतलब सूखा। तो जब आपकी स्किन सूख जाती है, उसको प्रॉपर नमी नहीं मिल पाता, मॉइस्चराइजर नहीं मिल पाता, वो हो जाता है आपका ड्राई स्किन। फिर उसके बाद आता है नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन के बारे में जनरली किसी को नहीं पता रहता है, मेरे को भी स्टार्टिंग में नहीं था। नॉर्मल स्किन क्या होती है, नॉर्मल स्किन जो है वो दोनों का मिक्स होता है, ऑयली का और ड्राई का, ठीक है, मतलब सामान्य सामान्य। उसमें क्या रहता है, उसमें ना हमको ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें हमको ज्यादा मतलब दीपक होती की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा लोशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑयल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती नॉर्मल में, ठीक है। वो दोनों रहता है, ऑयली भी रहता है ड्राई भी रहता है, वो एनवायरमेंट के थ्रू चेंज होता है। सर एनवायरमेंट जो अपन बात कर रहे थे ना, एनवायरमेंट के थ्रू चेंज होता है, वही होता है लास्ट सबसे कॉम्बिनेशन स्किन। अब कॉम्बिनेशन स्किन कोई बता सकता है क्या हो सकता है? दोनों कंबाइन रहता है। कॉम्बिनेशन मतलब होता है मिक्स होना, कंबाइन होना, कंबाइन का हिंदी वर्ड होता है मिलना, सम्मिलित होना, क्या सम्मिलित होना, कंबाइन होना, मिक्स होना। तो ये जो है ये भी दोनों स्किन का कॉम्बिनेशन है, ऑयली का और ड्राई का, कॉम्बिनेशन में भी दोनों है, दोनों स्किन है, ऑयली भी है ड्राई भी है। अब आप लोग बोलोगे कि नॉर्मल से फिर अलग क्यों हुआ, है ना, नॉर्मल से अलग क्यों हुआ कॉम्बिनेशन? नॉर्मल और कॉम्बिनेशन के डिफरेंस में बताती हूँ। नॉर्मल जो है उसमें हमारा कम मेंटेनेंस है, ठीक है, वो एनवायरमेंट के थ्रू चेंज होता है। बट कॉम्बिनेशन क्या रहता है, उसमें हमको सबसे ज्यादा मेंटेनेंस है, वो एनवायरमेंट के थ्रू तो चेंज होता है बट हमको उसमें ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। अगर वो ऑयल प्रोड्यूस करता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में करता है, और ड्राई होता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। कॉम्बिनेशन जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव स्किन होता है, बहुत ज्यादा ऑयली भी हो जाता है, बहुत ज्यादा ड्राई भी हो जाता है, तो इसके लिए हमको बहुत ज्यादा केयरिंग भी है, केयरिंग करने की जरूरत है कि नहीं है, yes. है ना, तो ये डिफरेंस होता है कॉम्बिनेशन और नॉर्मल स्किन में, ठीक है, और ओके, समझ आया, कोई डाउट? नो, स्किन समझ आ गया सर? कितनी स्किन होती है? चार। कितने प्रकार होते हैं? चार प्रकार। कितने? चार। एक बार जोर से। चार। चार। कौन कौन सी? ऑयली, नहीं, एक साथ। ऑयली, ड्राई, नॉर्मल, कॉम्बिनेशन। वेरी नाइस। अब समझ आ गया चार किस तरह से काम करती है, क्या काम होता है, और अब आप लोग इसको चेक कैसे करोगे? ये भी तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, हमको पता कैसे चले कि हमारा कौन सा स्किन टाइप है? ये है कि नहीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन? आप ही लोग पूछ रहे हो, कुछ नहीं मालूम, पता कैसे चलेगा कौन सा? बताती हूँ मैं, ये नॉलेज जब प्रोवाइड करूंगी ना तो ऑटोमेटिक आप दूसरे का भी जज कर लोगे, आप दूसरे का भी देख के बता दोगे कौन सी स्किन है आपकी। ऑयली स्किन में पता है एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो हमारे पोर्स रहते हैं ना वो थोड़े से ज्यादा बड़े बड़े रहते हैं, ओपन रहते हैं पोर्स, ये रोम छिद्र, किसी किसी की स्किन में देखिए बहुत बड़े बड़े गैप होते हैं, ये हमारे जो रोम छिद्र रहते हैं वो थोड़े ज्यादा बड़े बड़े रहते हैं, दिखाई देता है ना, वो होता है ऑयली स्किन।
वो होता है ऑयली स्किन, बहुत जो हमारे रूम टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है, उसके कारण वो पोर्स जो है वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, आप जहां देखोगे जिसके पोर्स बड़े हैं समझ जाओ दैट इज ऑयली स्किन। ठीक है, आप लोग भी आधे डॉक्टर बन गए है ना, कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो स्किन और हेयर से डील करता है ना उसको कॉस्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो हम डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट का नॉलेज तो रख सकते हैं ना, हम एडवाइस तो कर ही सकते हैं ना, जेन्युइन एडवाइस। क्या सर, ड्राई स्किन फटी फटी दिखती है जो रुखी रुखी सी। ठीक है, उसके पोर्स पर ऑयली जो है ना इसका अलग से दिखता है, बाकी जो स्किन के हैं वो नॉर्मल होते हैं। ड्राई स्किन में आपको ये ना अलग से रेड रेड सी फटी फटी सी स्किन दिखेगी, स्किन निकली हुई खुरखुरा सा भी होगा। अब हम आते हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि हमारी स्किन है कौन से टाइप। ठीक है, आप जब रात को सोने जाते हैं ना, ठीक है, हाँ ना बोलिए आप। yes. जी तो ना, तो उससे पहले आप फेस वॉश करोगे। ठीक है, हमारा जो आईएमसी का फेस वॉश सबसे बेस्ट है, उसमें एलोवेरा मिक्स है। एलोवेरा हमारा बेस प्रोडक्ट है, पता है आप लोगों को। हाँ, एलोवेरा आपको सारे प्रोडक्ट में मिलेगा। क्यों मिलेगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। अच्छा, कोई बता सकते हैं? यस जी, आज के दौर में हम लोग इतना ज्यादा ना केमिकल यूज करते हैं, हर प्रोडक्ट में एलोवेरा इसलिए दिया गया है जो केमिकल और गंदगी जहां से हो सके निकाल के बाहर करना। वेरी नाइस, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं ना, गंदगी होती है, एलोवेरा उसको निकालता है। कैसे निकालते हैं कोई बता सकते हैं? फिर से क्वेश्चन करूंगी, एलोवेरा जो है वो बेस प्रोडक्ट रहता है, फाइबर ज्यादा होता है, फाइबर्स होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये, मैंने स्टडी किया तो मुझे पता चला। कोई बता सकते हैं? देखो मैं बताती हूँ, कंपेरिजन में बताती हूँ। आप जो केमिकल प्रोडक्ट यूज करते हो ना बाहर के, करते ही है, एक्सेप्ट करते हैं, सभी करते हैं, नहीं करना है आईएमसी प्रोडक्ट यूज करना है। जो हम केमिकल प्रोडक्ट यूज करते हैं ना, तो वो जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, वो आपके स्किन के अंदर नहीं जा पाते। आपके बॉडी में भी जब आप वो इनटेक करते हो ना, खाते वाते हो, तो वो आपके ऑर्गन्स तक नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े से मॉलिक्यूल्स होते हैं। एलोवेरा एक ऐसा प्रोडक्ट है, एलोवेरा जो हम घर भर में भी लगाते हैं, वो एक ऐसा प्रोडक्ट है, उसमें इतने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स रहते हैं जो आपके पूरे ऑर्गन्स तक जाते हैं और आपके पूरे स्किन तक अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं इजिली। ठीक है, ऑर्गन्स के पूरे अंदर तक जाके वो काम कर रहा है, डिटॉक्सिफाई कर रहा है, तो दैट इज प्रॉफिटेबल ना। ये डिफरेंस होता है एलोवेरा का, ये आपको बाकी प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा। जहां एलोवेरा रहेगा वो आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि वो आपके ऑर्गन के अंदर तक जाके काम कर रहे हैं। वो लेकिन ये प्रॉपर्टी होता है ना उसके अंदर, जो कि वॉश यूज करेंगे आप रात को सोने से पहले, और आप अपने स्किन में कुछ भी नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं, सो जाएंगे, सुबह जब उठेंगे आप आईने के सामने जाएंगे और आप देखेंगे ये जो एरिया होता है ना, ये इस तरह से, इसको हम बोलते हैं सी जोन। क्या बोलते हैं इसको? सी बन रहा है ना ये सी, ये मैं सी बना रही हूँ ना, इसको बोलते हैं हम सी जोन, सी जोन, जेडो एनी जोन, सी जोन। सी जोन ये इस तरह से रहता है आपके स्किन में। ठीक है, सी जोन, सी ये वाले स्किन में अगर आपके ऑयल रहता है ना सुबह उठते ही साथ, तो वो है ऑयली स्किन। समझ आया? आप दूसरे का भी चेक कर सकते हो ना इजिली, बता सकते हो ऑयली है कि ड्राई। ये वाली जो स्किन है ना, इसमें अगर सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, समझ आया? अब आती है ड्राई, ड्राई स्किन की बात। ड्राई को हम बोलते हैं टी जोन। कोई मुझे बताएगा टी जोन कैसे होता है? किसी को भी स्किन का नॉलेज है थोड़ा बहुत भी?
चलिए मैं बता रही हूँ टी, टी क्या होता है, ये हुआ टी, इसको हम बोलते हैं फोरहेड, ये हुआ टी, ये नाक का ऊपर, ये टी, टी जोन, टी फॉर टाइगर, टी बना ना टी। अगर आपके ऑयल सुबह जब आप उठोगे मिरर में देखोगे, अगर आपका ऑयल सबसे ज्यादा अगर इधर है ना, तो दैट मीन्स आपकी ड्राई स्किन है। डिफरेंस समझ आया? ठीक है, अगर ऑयल यहां ज्यादा है तो ऑयली स्किन है, अगर ऑयल यहां ज्यादा है तो ड्राई स्किन है। ठीक है, ड्राई स्किन में क्या रहेगा, आपके ऑयल यहां पे ज्यादा रहेगा, यहां पे कम रहेगा। ऑयली स्किन में ऑयल यहां ज्यादा रहेगा, यहां पे कम रहेगा, ड्राई स्किन में, सॉरी। ठीक है, ऑल क्लियर? ड्राई और ऑयली समझ आया? वहीं पे नॉर्मल स्किन जो है ना, नॉर्मल स्किन में कम रहेगा, यहां पे भी ऑयल रहेगा, यहां पे भी ऑयल रहेगा, बट कम रहेगा। वहीं कॉम्बिनेशन में देखोगे तो आप यहां पे भी ऑयल ज्यादा रहेगा, यहां पे भी ऑयल ज्यादा रहेगा। ठीक है सर, समझ आया? स्किन टाइप्स आप सामने वाले को भी जज कर सकते हो, कौन सा टाइप है स्किन का? ऑयली का, ऑयली का आपका जो सी जोन है ना, सी जोन, इसमें अगर ऑयल सबसे ज्यादा क्रिएट हो रहा है, सबसे ज्यादा आ रहा है, दैट मींस ऑयली स्किन है। ड्राई में ये टी जोन, टी जोन, सी जोन, टी जोन, हम मतलब स्किन के टर्म में इसको बोलते हैं टी जोन, सी जोन। ओके, ठीक है, टी जोन हो गया, सी जोन हो गया, अब हम करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। यस।